रही हूँ कि अर्थव्यवस्था जो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसके बजाय हम क्वांटम जंप करवाएंगे अर्थव्यवस्था को। दूसरी बात क्या कही इन्होंने, अवसंरचना। अवसंरचना के लिए क्या कहा, हम भारत का ऐसी आधारभूत संरचनाएं बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास हो। आधुनिक, जैसे आप दुबई में जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, लेकिन भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोडों पर तो गड्ढे जब बाहर निकलते हैं, है ना, बरसात के पानी में पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो आधारभूत संरचना है, सड़क, बिजली, पानी, ये आधुनिक बनाएंगे। ठीक है, मतलब अभी जो पुराने गड्ढे बने हैं उसको टेक्नोलॉजी आधारित बिल्कुल अच्छे रोडे बना देंगे। ये इन्होंने ऐसा वादा किया है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाएंगे। सिस्टम को मतलब सरकार के जितने भी कामकाज है ना, इसको हम ऑनलाइन कर देंगे। प्रौद्योगिकी में मतलब टेक्नोलॉजी, सरकार ने कहा कि हमारा जो सिस्टम होगा उसको हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाएंगे, टेक्नोलॉजी से चलने वाला। आज कल आपने किसी ने पूछा था कि मेरे को सर में रोजगार भत्ता नहीं कहा, मैंने कहा भाई 1-8 मंथ पर कॉल कर लेना। उसने 1-8 मंथ पर कॉल किया, उसका समाधान लगभग लगभग हो गया, उसको बता दिया कि तेरा सर में कार्ड बंद हो गया। ठीक है, तो अब आपको संपर्क पोर्टल में शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको समाधान मिल रहा है। आप किसी भी शिकायत का ऑनलाइन समाधान कर सकते हैं। आजकल ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना रहे हैं, सरकार अपनी फाइलों का डिस्पोजल ऑनलाइन कर रही है, हम ऑडिट ऑनलाइन करवा रहे हैं, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है धीरे धीरे। तो अब सरकार करेगी, हम जो भी काम करेंगे सारा ऑनलाइन करेंगे। तो इसके लिए आम आदमी को ना सरकार के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला गतिशील जनसांख्यिकी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। हमारे देश की जनसंख्या तो खूब है और लगभग युवा आबादी सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। युवा आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में। लेकिन फिर भी हमारी जनसंख्या है ना, इसमें कौशल नहीं है। जनसंख्या तो है, भीड़ तो भरी पड़ी है, लेकिन योग्य नहीं है, स्किल नहीं है। सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे लग रहे हैं, स्किल चाहिए। आप में स्किल है तो कहीं भी कमा के खा लेंगे। तो हम हमारी जो जनसंख्या है ना, इसमें स्किल डेवलप करेंगे और स्किल देके उनकी जो कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। अब एक अनपढ़ आदमी है 5,000 महीने का कमाता है, अगर वो पढ़ा लिखा होता उसकी स्किल होगी तो 50,000 रुपये महीने के कमा सकता था, 5 लाख भी महीने के कमा सकता था, कमा सकता था ना। लेकिन उसने अपना जीवन बर्बाद ही कर दिया क्योंकि उसने कोई स्किल भी डेवलप नहीं करी, वो अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, पढ़ाई नहीं करी। तो ये स्किल की कमी है। जनसंख्या तो खूब है लेकिन जनसंख्या में क्या नहीं है, स्किल नहीं है। तो उसकी हम स्किल बढ़ाएंगे। मांग, देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो मांग भी ज़्यादा है। इस मांग को पूरा करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, तो देश की मांग और आपूर्ति की पूरी क्षमताओं का हम उपयोग करेंगे। इस तरह का 5 स्टेप का दर्शन मोदी जी ने दिखाया था 2020 में। ठीक है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं। इसमें एक नारा भी दिया था, लोकल फॉर वोकल, हम लोकल उत्पादों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, चलिए आत्मनिर्भर भारत कम्प्लीट। अब लिखिए राष्ट्रीय रसद नीति। राष्ट्रीय रसद